नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है सुमित और आज हम पढ़ेंगे द ब्लैक डेथ के बारे में, जिसको बबोनियन प्लेग भी कहा जाता है, जिसको द ब्लैक प्लेग भी कहा जाता है और चूहों से फैलने वाली सबसे बड़ी महामारी भी इसको कहा जाता है। क्या हुआ, साल 1347 से लेकर 1353 के बीच में ये महामारी फैली थी और इसने इतने ही समय में, लगभग 8-9 साल के पीरियड में, दुनिया भर की 1/3 आबादी की जान ले ली। और मोर स्पेसिफिकली कहूँ तो यूरोप की लगभग 1/3, और लगभग कहीं कहाँ कहाँ 1/3 बोला जाता है और कहाँ कहाँ ऐसा भी कहा जाता है कि लगभग आधी आबादी को इसने एक तरह से मौत की नींद सुला दिया। ऐसी बीमारी थी ये। तो क्या थी ये पूरी बीमारी, इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। बीमारी के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, जिसको द डेड शिप्स भी कहा जाता है। क्या था कि साल था 1347 और महीना था अक्टूबर का। इसमें क्या हुआ, एक साथ 12 शिप्स आई सिसिलियन पोर्ट पे आके रुकी, जो कि मेसिना में है, और मेसिना है इटली में। यहाँ पे एक साथ 12 शिप आई और लोगों ने इंतजार किया कि उन शिप्स में से कोई उतरेगा, कोई आएंगे जो व्यापार करने के लिए, व्यापारिक शिप थी ये बेसिकली, लेकिन उन शिप्स में से कोई नहीं उतरा। तो लोगों ने जाके देखा कि देखते हैं कि क्या है, तो बहुत ही हॉरिफाइंग नज़ारा था अंदर। और देखा तो बहुत सारे जो लोग थे उस शिप में, ज़्यादातर लोगों की मौत हो चुकी थी, उनकी जो त्वचा थी, स्किन का कलर था, वो ब्लैक हो चुका था, और बहुत कम जो लोग जिंदा थे जो इस शिप को यहाँ तक लेके आए, वो भी बहुत ही खराब हालत में थे, बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रहे थे। तो उन लोगों ने उनकी मदद करी और उस शिप में से जो लाशें थी, डेड बॉडीज थी, उनको बाहर नीचे उतारा, और जो लोग जिंदा थे उनको भी नीचे, उनको बचाने की कोशिश की। तो लेकिन ये जो लोग थे मेसिना के, इनको पता नहीं था कि जिन लोगों को ये बचा रहे हैं, जिन डेड बॉडीज को ये बाहर लेके आ रहे हैं, उनसे इनको इन्फेक्शन भी हो सकता है। बस छूने मात्र से ये बीमारी इतनी भयंकर तरीके से फैली कि आने वाले 6-7 साल तक इस बीमारी ने यूरोप की आधी से ज़्यादा, और कहीं कहीं देखें तो 1/3 जनसंख्या को खत्म कर दिया। लगभग 20 से 25 मिलियन जो लोग थे उनकी इस बीमारी की वजह से डेथ हुई। तो ये एक नज़ारा था जिसको बहुत ही खतरनाक डेड शिप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब पता चला था शुरुआत में सिसिलियन की अथॉरिटी को कि इन ये जो बीमारी है ये कंटेजियस है, तो उन्होंने ऑर्डर कहा था कि इनको नाम डेड शिप दे दिया जाए और इनको यहाँ पे एंटर करने से मना कर दिया, इन शिप्स को आने के लिए मना कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओके, तो ये थी बात। अब जानते हैं कि ये बीमारी एक्चुअल में थी क्या। देखो, मेनली ये बीमारी जो थी ये एशिया में शुरू हुई थी वैसे तो, लेकिन 14th century के मिड में ये पहुंच गई यूरोप। और एशिया में जब तक थी तब तक तो इसने इतना इम्पैक्ट नहीं दिखाया जितना इसने यूरोप में जाके 1346 से लेके 1353 तक दिखाया। उसके बाद इस बीमारी को किसकी वजह से हुई थी, इस बैक्टीरिया की खोज की गई 20वीं शताब्दी में, और यर्सिनिया पेस्टिस नाम का एक बैक्टीरिया है, उसी की वजह से प्लेग की जो जितनी भी बीमारियाँ हैं वो इसी की वजह से फैली हैं। देखो, प्लेग जो बीमारी है ये बहुत सारी बार आई है दुनिया भर में पहले, ये बहुत पुरानी बीमारी है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी सिर्फ 14th century में हुई, ये बीमारी आज भी अवेलेबल है। ये 1720 में भी आई थी, 541 में भी आई थी, और ऐसा माना जाता है कि 3000 BC पहले से ये बीमारी दुनिया भर में है। और इस बीमारी के बारे में ये जो है, ये पूरी रिपोर्ट ये 20वीं शताब्दी में पता चला कि ये बैक्टीरिया ये है, इसका नाम ये दिया गया। ओके, तो उससे पहले तो लोगों को पता भी नहीं था कि ये किसकी वजह से फैल रही है। एक बुक है जिसका नाम है द कंप्लीट हिस्ट्री, और ये बोल्डे प्रेस 2018 में आई थी। इसमें बताया गया है कि लगभग 50 से 60% जो पॉपुलेशन है यूरोप की, वो ब्लैक डेथ की वजह से मारी गई थी। तो इतना बड़ी आंकड़ा भी माना जाता है, कहीं कहीं आपको ये वेरी करता है आंकड़ा, क्योंकि उस समय किसी तरह के सेंसस तो हुआ नहीं करते थे, लोगों को पूरी एग्जैक्ट पॉपुलेशन भी नहीं पता थी, और ये भी नहीं पता था कि कितने लोग कहाँ किस बीमारी की वजह से मर रहे हैं। तो आप एक राउंड फिगर में मान सकते हैं कि 1/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन इस बीमारी की वजह से मारी गई थी। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो ओरिजिन ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बीमारी नई नहीं थी, ये बीमारी बहुत पहले से थी। तो ये डेड शिप के आने से पहले भी यूरोपियन जो लोग थे उनको पता था कि ऐसे रूमर उन्होंने सुने थे कि ऐसी एक बीमारी है जो चूहों के वजह से फैलती है, और जो दुनिया के ट्रेड रूट्स हैं उनकी वजह से ये दुनिया भर में फैल रही है, और ये शुरू हो रही है एशिया में, ये इनको आइडिया था। लेकिन जब ये यहाँ पे पहुँची चाइना में, ये 1340 के आसपास भयंकर तरीके से एक बार फैली थी,
लेकिन वहाँ पे कंट्रोल हो गई थोड़ी तरीके से। तो मेन जब बाद की रिसर्च है, जो अभी भी रिसर्च इसके बारे में होती है, 2005-06 में भी इसके बारे में रिसर्च हुई है, उन रिसर्च की माने तो ऐसा माना जाता है कि बीमारी का ओरिजिन जो है वो चाइना में हुआ था और बहुत पहले समय में ही इसका ओरिजिन हो चुका था। और ऐसा माना जाता है कि 3000 BC पहले भी ये बीमारी कहीं ना कहीं अवेलेबल थी। ठीक है, तो इसका जो इम्पैक्ट था वो देखने को आपको बाद में पता चलता है। और जो सबसे ज्यादा लीथल जो रूप है वो देखा हमने ब्लैक डेथ में। देखो अब ये बीमारी ट्रेवल कैसे करी, आज के समय इतने सारा रूट हैं, इतने सारे जो लोग हैं वो ट्रेवल करते हैं, लेकिन उस समय ये वाले रूट तो नहीं होते थे, लेकिन दूसरे रूट थे। उनमें से एक फेमस रूट था द सिल्क रूट। सिल्क रूट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने अभी सुना होगा OBOR जो कि क्या है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है चाइना का। इसका मकसद यही है कि जो पुराना सिल्क रोड था चाइना का उसको रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसका चाइनीज लोग जो है वापस डेवलपमेंट करना चाहते हैं। सिल्क रूट क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय चाइना का जो सिल्क था वो बहुत मशहूर था, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत फेमस था, और यूरोप के जो देश थे वो सब चाहते थे कि जो चाइना का सिल्क है वो लेना चाहते थे, उसको इम्पोर्ट करते थे। तो इसीलिए इस रूट का नाम सिल्क रूट पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सिल्क इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था। तो यही रूट है जिसको OBOR के थ्रू, इसके दो रूट हैं, एक तो रोड वाला रूट है और एक है मैरीटाइम रूट जो कि इधर से होता हुआ जाता है नीचे से, जो कि समुद्री सीमाओं से होता हुआ जाता है। तो इन दोनों रूट्स के थ्रू चाइना से ये बीमारी दुनिया भर में होते हुए ट्रेवल करते यूरोप में पहुंच गई। किस तरीके से पहुंची, देखो जहाज आते थे उनमें या फिर जो गाड़ियां आती थी उनमें चूहे इसमें साथ में चले जाते थे, या फिर जो दूसरे जो जानवर हैं जिनकी वजह से फैलती थी, जैसे कि फ्ली, जो मक्खियां हैं चूहों से मक्खियां खुद में ये बीमारी उसका वाहक की तरह काम करती थी, उसके बाद किसी आदमी को हो गई तो जो पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट से भी ये बीमारी फैलती थी। तो ये इन रूट के माध्यम से होती हुई यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया के भी अलग अलग हिस्सों में पहुंच गई ये बीमारी OBOR रूट के थ्रू। और एक और मैप है जिसमें आपको दिखता है 1347 में, जो ये डार्क येलो कलर का मैप है इसमें आपको दिख रहा है कि ये एशिया में थी बीमारी, एशिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गई, इस्तांबुल जो कि तुर्की तक पहुंच चुकी थी, और ये मिडिल ईस्ट में और उसका जो हमारा जो क्या बोलते हैं सेंट्रल एशिया में ये बीमारी पहुंच चुकी थी। बाद में 1348 में ग्रीन कलर का जो मैप है, यानी कि एशिया में लगभग सब जगह फैल चुकी थी और यूरोप में भी जो साउदर्न यूरोप का जो हिस्सा है वहां पे ये बीमारी फैल चुकी थी। और हमने 1347 में देखा ही था कि 1347 में ही अक्टूबर महीने में ये बीमारी सिसिली में पहुंच गई थी, यानी कि इटली में पहुंच चुकी थी। तो बाद में ये बीमारी इस तरीके से फैलती गई और 1351 तक पूरे ग्लोब पे ये बीमारी एक तरह से फैल चुकी थी, जहां जहां भी लोग व्यापार के माध्यम से चाइना से या फिर दूसरे देशों से कॉन्टेक्ट में थे, सब जगह बीमारी फैल चुकी थी। ओके, उसके बाद देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या थे, कैसे पता चलता था कि ये प्लेग ही है, किसी को भी कोई बीमारी होती थी तो सिम्टम्स जनरली होते थे किसी भी कॉन्टैक्ट में आने के 2 से 6 दिन के बीच में। सबसे पहले फीवर होता था, उसके बाद हेडेक वगैरह, मसल पेन, वीकनेस, सीजर यानी कि जखड़न हो जाती थी शरीर में, उसके बाद जो सीवियर कंडीशन होती थी उसमें शॉक लगता था और उसके बाद डेथ हो जाती थी, और स्किन का जो कलर है वो भी डार्क ब्लैक होने लग जाता था, उसको बोलते थे गैंग्रीन। ठीक है, तो सॉरी, ये इसकी जो चीजें हैं ये इसके सिम्टम्स हुआ करते थे। और बहुत ही ज्यादा लीथल ये बीमारी थी कि जब सिम्टम पहला सिम्टम शो होता था उसके 24 घंटे के अंदर अंदर तो काफी लोगों की डेथ हो जाती थी। तो वो डिपेंड करता था पर्सन टू पर्सन, जिसका जितना स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम था, किसी के 24 घंटे में भी हो जाते थे, किसी की 48 घंटे में भी डेथ हो जाती थी। बहुत ही जो बीमारी थी ये खतरनाक बीमारी थी उस समय, उस समय इलाज भी नहीं था, वो भी एक इसका रीजन था। बायोलॉजी देखते हैं इस डिजीज की, कि ये बीमारी किस तरीके से इम्पैक्ट करते थे किसी भी आदमी को। सबसे पहले जो इसका वाहक जो होते थे, ये बीमारी प्लेग एक बार नहीं फैली, मैंने आपको बताया पहले भी फैली है, तो मेन जो इसके वाहक थे वो थे चूहे, चूहियां, ये सब रैबिट, स्क्वायरल्स, इनके अंदर से ये जो वायरस है, ये वायरस नहीं सॉरी बैक्टीरिया है, इनके अंदर ये आता था सबसे पहले। उसके बाद जो चूहे से ये बीमारी पहुंच जाती थी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से, या तो पर्सन टू पर्सन, या जैसे चूहा है उसने आपके जैसे अनाज है उसको इन्फेक्ट कर दिया, या तो उस वजह से हो जाता था, या फिर चूहों से आता था फ्लीज में, और फ्ली जब डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आती थी ह्यूमन के तो वहां से भी ये बीमारी इन्फेक्ट कर देती थी, ट्रांसमिट हो जाती थी। ये जो बैक्टीरिया है वाई पेस्टीज, यस्टीनिया पेस्टीज, ये
ट्रेवल करके करता गया था ह्यूमन बॉडी में जाके, बॉडी में एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? एक लिम्फ नाम का एक क्या बोलते हैं लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, जैसे हमारा ब्लड होता है उसी तरह लिम्फ एक एक तरह से एक लिक्विड होता है, जो क्या करता है, जो लिम्फेटिक वेसल से होता हुआ लिम्फ नोड्स बनाता है। और ये लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? इनमें होती हैं WBC, और WBC का काम होता है, आपको पता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना। कोई भी अगर बाहर से कोई भी अटैक करता है, कोई भी फॉरेन जो बॉडी अंदर इन्फेक्ट हो करती है, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, ये सब, तो ये लिम्फ नोड्स में से जो WBC है ये उसको क्या करती हैं, हराती हैं, उसको मार देती हैं, उसको एंटर नहीं होने देती, बॉडी को इन्फ्लेमेशन होने से रोकती है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया था वाइपेस्टीज, ये इन लिम्फ नोड्स को ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता था। इसकी वजह से बाद में जो इम्यून सिस्टम है इंसान का, वो पूरी तरह से वीक हो जाता था, और इंसान की शॉक लगने से, अब नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग वगैरह होने से लास्ट में डेथ हो जाती थी। तो इस तरीके से ये इम्पैक्ट करती थी, सीवियर एक बीमारी थी। उसके बाद देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। कॉन्सिक्वेंसेस सबसे बड़ा तो यही है कि मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो उन्होंने अपनी जान गंवाई, पूरी दुनिया में, दुनिया भर में बहुत सारे लोगों की जान गंवाई, जिनमें से सबसे ज़्यादा इसका नुकसान यूरोप का हुआ और लगभग 25 मिलियन लोगों की डेथ हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जो व्यापार है, इकोनॉमी है, उसको भी बुरी तरह से झटका लगा। इतना झटका लगा कि बहुत सारे लोग बीमारी से नहीं मरे, उनकी डेथ भूखमरी से या फिर बेरोजगारी की वजह से, इनकी वजह से भी हो गई। भूखमरी से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। जो वॉर जो थे, बहुत सारी जो लड़ाइयाँ थी, उनको उनके ऊपर विराम लग गए। आपको पता है इंपीरियलिज्म का टाइम था 14th century, वहाँ पे राजा महाराजाओं का समय हुआ करता था, तो बहुत सारी जो लड़ाइयाँ उनके बीच चल रही थी उन पे एक तरह से सेंसेशन लग गया, वो रुक गई। लेकिन ये लंबे टाइम के लिए नहीं हुआ, ये जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये तो बाद में वापस शुरू हो गया। उसके अलावा जो ट्रेड था वो पूरी तरह से रुक गया दुनिया भर में। रिसेशन का दौर आ गया, जो जो भी चीज़ें थी लोगों को, क्योंकि खरीदने वाले लोग नहीं थे, लोग एक तरह से घरों में बंद थे, और जो व्यापार है उसमें पूरी तरह से मंदी आ गई। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गया, क्योंकि ये व्यापार नहीं होता था तो अनएम्प्लॉयमेंट पूरी तरह से बढ़ गया। जो एसेंशियल चीज़ें हैं, एसेंशियल जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी कमी होने लग गई, जैसे फूड है, फूड ग्रेन्स हैं, इनकी कमी होने लग गई। बहुत सारे जो लोग हैं इनकी वजह से हंगर से मर गए। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको पता है किसी भी महामारी की वजह से, जो गरीब तबका है, जो कमज़ोर आदमी है, उस पर पड़ता है। तो जो लेबर क्लास है उसकी बहुत ज़्यादा डेथ हो गई थी। उसी वजह से जो बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो कल्टीवेशन वगैरह में प्रॉब्लम आने लग गई, अनाज वगैरह बोने में जो है वो लेबर नहीं मिल रही थी, क्योंकि लेबर्स की बहुत ज़्यादा डेथ हो गई थी। लेबर नहीं मिल रही थी तो इसलिए जो वेजेस हैं लेबर की, आर्टिशियंस और किसानों की, इनकी भी क्या बढ़ गई, राइज आने लग गया। तो एक तरह से महंगाई बढ़ रही थी, और जो मतलब वेजेस वगैरह में महंगाई बढ़ रही थी, उसकी वजह से जो इनबैलेंस है, जो इकोनॉमी में इनबैलेंस है, वो पूरी तरह से बढ़ गया। तो ये इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे, जिसको बहुत सारे समय तक सहना पड़ा लोगों को। फिर है एक एंटी सेमिटिज्म। ये क्या होता है? ये एंटी सेमिटिज्म होता है, मतलब जैसे कि किसी भी रिलीजन के खिलाफ होके उनको टारगेट करना। तो एंटी सेमिटिज्म होता है ज्यूइस के खिलाफ जो लोग हो गए थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना था यूरोप में कि ये जो बीमारी है ये ज्यूज ने फैलाई है, यहूदियों ने फैलाई है। इसी वजह से जब यहूदियों को टारगेट किया गया तो बहुत सारे लोगों की हत्याएं की गई, मॉब लिंचिंग की गई, और उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाए गए, उनको परेशान किया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा गलत चीज़ हुई दुनिया भर में, और यहूदियों को टारगेट किया गया। उसके बाद भी यहूदियों को आगे आने वाले समय में बहुत समय तक टारगेट किया गया इसी की वजह से। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। जो मॉर्टेलिटी रेट है इस बीमारी का, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलता है, कहीं अलग अलग रीजन्स में, जगह मतलब मैं जगह बता रहा हूँ ना कि सोर्स बता रहा हूँ, तो हर जगह पे, हर जो एरिया था वहाँ पे अलग था। कहीं तो 1/8 था, यानी कि 8 लोगों को हो रही है तो एक आदमी की डेथ हो रही है। कहीं 2/3 भी था, यानी कि अगर 3 लोगों को हो रही है तो 2 लोगों की उसमें से डेथ हो रही है। तो मोर्टेलिटी जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। पूरी तरह से आप इसके डेटा निकाल भी नहीं पाओगे, क्योंकि उस समय न तो इतनी प्रेस थी, न उस समय इतनी राइटिंग होती थी, न कोई उसका ज़्यादा सोर्स आपको मिलेंगे, लेकिन बहुत सारी पॉपुलेशन की इस वजह से डेथ हो गई थी। ओके, अब देखते हैं कि क्या ये जो ब्लैक प्लेग है, ये प्लेग की जो बीमारी है, क्या अभी भी अवेलेबल है दुनिया में, या फिर पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है? ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो अभी भी हर साल लगभग 1000 से 3000 केस आते हैं प्लेग के। लेकिन अब क्या है, एंटीबायोटिक्स भी हैं,
और जो सैनिटाइजेशन सिस्टम है, पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस का जो सिस्टम है, साइंस ने जो डेवलपमेंट कर लिए हैं उसकी वजह से अब इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और इससे लोग इजीली निकल जाते हैं, लेकिन उस समय इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ करता था। अब एक चीज मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग, वो ये है कि आप अब सुनते होंगे क्वारंटाइन, खुद सेल्फ क्वारंटाइन, कोरोना के समय में इस क्वारंटाइन कर लीजिए क्वारंटाइन। तो ये क्या है क्वारंटाइन? जो शब्द है उसका ओरिजिन भी सबसे पहले इस ब्लैक डेथ के समय ही हुआ, ब्लैक प्लेग के समय ही हुआ। क्या हुआ था, जो शिप जो थी उनको 30 दिन के लिए बंद कर दिया गया था, कि बैन कर दिया था कि आप जो शिप्स हैं जो वेटिकन सिटी में और जो ये क्या बोलते हैं हमारा इटली में, पूरी तरह से 30 दिन के लिए बंद कर दी थी। तो उस 30 दिन के पीरियड को क्या बोला जाएगा वहां पे इटली में, टेरेंटिनो, टेरेंटिनो बोला गया। उसके बाद इसी समय को बढ़ा के 40 दिन कर दिया, तो उसको बोला गया क्वारंटिनो, क्वारंटिनो। और इस क्वारंटिनो शब्द से ही बना है क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन जो शब्द है वो इस ब्लैक टाइम प्लेग के समय बना। और क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है, खुद को अपने बाकी सब लोगों से सेपरेट कर लेना और उनसे सोशल डिस्टेंसिंग करना, ठीक है। तो इस समय इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, लोगों ने जो इस बीमारी से उभरे उसका एक ही तरीका था, सोशल डिस्टेंसिंग करी, लोगों ने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे इस बीमारी का इम्पैक्ट कम हो गया, जिन लोगों को मरना था जो इससे सीवियर केस में थे वो मर गए। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।